नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चिंतन है उच्चाघात। 4 महीने बीत चुके थे, बल्कि 10 दिन के ऊपर हो गए थे, किंतु बड़े भैया की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी कि वह पापा को लेने कब आएंगे। यह कोई पहली बार नहीं था कि बड़े भैया ने ऐसा किया है। हर बार उनका ऐसा ही रवैया रहता है। जब ही पापा को रखने की उनकी बारी आती है, वह समस्याओं से गुजरने लगते हैं। कभी भाभी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी ऑफिस का काम बढ़ जाता है और उनकी छुट्टी पैसिल हो जाती है। विवेश होकर मुझे ही पापा को छोड़ने मुंबई जाना पड़ता है। हमेशा की तरह इस बार भी पापा की जाने की इच्छा नहीं थी, किंतु मैंने इस और ध्यान नहीं दिया और उनका वो अपना मुंबई का रिजर्वेशन करवा लिया। दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस अपने टाइम पर थी। सेकंड एसी की निचली बर्थ पर पापा को बैठा कर सामने की बर्थ पर मैं भी बैठा गया। साथ वाली सीट पर एक सज्जन पहले से विराजमान थे, बाकी बर्थ खाली थी। कुछ ही देर में ट्रेन चल ही पड़ी। अपने जेब से मोबाइल निकाल में देख रहा था, तभी कानों से पापा का स्वर टकराया, मुन्ना कुछ दिन तो तू भी रहेगा ना मुंबई में, मेरा दिल लग रहा रहेगा और प्रतीक को भी अच्छा लगेगा। पापा के स्वर की आर्द्रता पर तो मेरा ध्यान गया नहीं, मन ही मन में खींच उठा। कितनी बार समझाया है पापा को कि मुझे मुन्ना न कहा करे, रजत पुकारा करे। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसीन पर एक सप्रशासनिक अधिकारी, समाज में मेरा एक अलग रुतबा है, ऊंचा कद है, मान सम्मान है। बगल की सीट पर बैठा व्यक्ति मुन्ना शब्द सुनकर मुझे एक सामान्य सा व्यक्ति समझ रहा होगा। मैं तनिक जोर से बोला, पापा परसों मेरे गवर्नर के साथ मीटिंग है, मैं मुंबई में ऐसे रुक सकता हूँ? पापा के चेहरे पर निराशा की बदलाया छा गई। मैं उनके कुछ कहता तभी मेरा मोबाइल बज उठा, रिंतु का फोन था। बड़ाई स्वर में वह कह रही थी, पापा ठीक से बैठ गए ना? हो हाँ बैठ गए, गाड़ी भी चल पड़ी, देखो पापा का ख्याल रखना, रात में मेडिसिन दे देना, भाभी को भी सच अच्छी तरह समझा कर जाना, पापा को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। मैंने फोन काट दिया, रिंतु का फोन था ना, मेरी चिंता कर रही होगी। पापा ने चेहरे पर वात्सल्य उबट आया था। रात में खाना खाकर पापा सो गए। थोड़ी देर में गाड़ी कोटा स्टेशन पर रुकी और यात्रियों के गोर शुल से हड़कंप सा मच गया। तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर जो व्यक्ति अंदर आया, उसे देखकर मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि रमाकांत से इस तरह ट्रेन में मुलाकात होगी। एक समय रमाकांत मेरा पड़ोसी और सहपाठी था। हम दोनों के बीच मित्रता कम और नंबरों का लेकर प्रतिस्पर्धा अधिक रहती थी। इस दोनों ही मेहनती और बुद्धिमान थे, किंतु न जाने क्या बात थी कि मैं चाहे कितना भी परिश्रम करो न करो लूं, बाजी सदैव रमाकांत के हाथ में लगती थी। शायद मेरी एकाग्रता में कमी थी। कुछ समय पश्चात पापा ने शहर के
पांच एरिया के मकान बनवा लिया, मैंने कॉलेज चेंज कर लिया और इस तरह रमाकांत और मेरा साथ छूट गया। 2 माह पूर्व एक सुबह मैं अपने ऑफिस पहुंचा। कॉरिडोर में मुझसे मिलने के लिए काफी लोग बैठे हुए थे। बिना उनकी ओर नजर उठाए मैं अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था। एकाएक एक व्यक्ति मेरे सम्मुख आया और प्रसन्नता से अतिरिक्त में मेरे गले लग गया। रजत यार, तू कितना बड़ा आदमी बन गया, पहचाना मुझे? मैं रमाकांत में शक पका गया। फिक्की ही मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर विलुप्त हो गई। इतने लोगों के सम्मुख उतना औपचारिकता व्यवहार से मुझे खल रहा था। यह भी शायद मेरे मनोभावों को ताड़ गया था। तभी तो एक लंबी प्रतीक्षा के उपरांत जब वह मेरे केबिन में दाखिल हुआ तो समझ चुका था कि वह अपने सहपाठी से नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी से मिल रहा था। उसका मुझे सर कहना मेरे अहंकार को संतुष्ट कर गया। यह जानकर कि वह बिजली विभाग में महज एक क्लर्क है, जहाँ मेरा समक्ष अपना तबादला रुकने की गुंजाइश लेकर आया है, मेरा सीना अभिमान से चौड़ा हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स तो क्या, मेरे सभी क्लासिक भी यही कहते थे कि एक दिन रमाकांत बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मुंह आज मैं कहां से कहां पहुंच गया है और वह पिछली स्मृतियों को पीछे धकेल में वर्तमान में पहुंचा तो देखा रमाकांत ने अपने वृद्ध माँ को साइड की सीट पर लिया दिया और स्वयं उसके करीब बैठ गया। एक उड़ती सी नजर उस पर डालने मैंने अखबार पर आंख गड़ा दी। तभी रमाकांत बोला, नमस्ते सर, मैंने तो देखा ही नहीं कि आप बैठे हैं। मैंने नम्र स्वर से पूछा, कैसे हो रमाकांत? ठीक हूँ सर, कोटा से आना हुआ, छोटी बुआ की बेटी की शादी में आया था, अब मुंबई जा रहा हूँ। शायद आपको याद हो, मेरा एक मोटा भाई था, छोटा भाई। हाँ याद आया, क्या नाम था उसका? मैंने स्मृति पर जोर डालने का उपक्रम किया, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि उसका नाम देवस था। सर, आप इतने ऊंचे पद पर हो, आप दिन हजारों लोगों से मिलते हो, आपको कहाँ याद होगा? देवस नाम है उसका सर। पता नहीं उसके मुझे पर व्यंग किया था या साधारण रूप से कहा था, फिर भी मेरी गर्दन कुछ तन सी गई। उस पर एहसान सा लादते हुए मैं बोला, देखो रमाकांत, यह मेरा ऑफिस नहीं है, इसलिए सर कहना बंद करो और मुझे मेरा नाम से पुकारो। हाँ तो तुम क्या बता रहे थे, देवस मुंबई में है? हाँ रजत, उसके वहाँ मकान खरीदा है, 2 दिन पश्चात उसके गृह प्रवेश है, 4-5 दिन वहाँ रह कर मैं और अम्मा दिल्ली जाने आएगी। इस उम्र में उन्हें इतना घुमा रहे हो, अम्मा की आने की बहुत इच्छा थी। इंसान की उम्र भले ही बढ़ जाए, इच्छाएं तो कभी नहीं मरती न। हाँ यह तो पिताजी कैसे हैं? पिताजी का 2 वर्ष का पूर्ण स्वर्गवास हो गया था, अम्मा यह दुख झोल नहीं पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, बस तभी से वह बीमार रहती है। अब तो इंतजामर भी बढ़ गया है, तब तो उन्हें संभालना मुश्किल होता होगा। कहाँ करते हो, 6-6 महीने 2 भाइयों रखते होगे? ऐसा पूछकर मैं शायद अपने मन को तसली दे रहा था। आशा के विपरीत रमाकांत बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, अम्मा शुरू में दिल्ली में रहती हो, उनका कहीं और मन लगता मुश्किल है, मैं नहीं चाहता उस उम्र के उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो जाए, कभी इधर तो कभी उधर, कितनी पीड़ा होगी उन्हें यह देखकर कि पिताजी के जाने की उनको कोई पर ही नहीं रहा।
वह हमें पर बोझ है। मैं मुस्कुराता हुआ, रमाकांत, इंसान को थोड़ा व्यवहारिक भी होना चाहिए। जीवन में सिर्फ भावुकता से काम नहीं चलता है। अक्सर इंसान दायित्व उठाते उठाते थक जाता है और तब ये विचार मन को उद्रेलिए करने लगते है कि अकेले हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरों क्यों न करें। पता नहीं रजत, मैं जरा पुराना विचार का इंसान हूँ। मेरा तो यह मानना है कि हर इंसान की करनी उसके साथ है। कोई भी काम मुश्किल तभी लगता है जब उसे बोझा समझकर किया जाए। माँ बाप क्या कभी अपने बच्चों को बोझा समझते हैं? आधे अधूरे कर्तव्यों में कभी आस्था नहीं होती रजत, मात्र औपचारिकता होती। और सबसे बड़ी बात, जाने अनजाने हमारे कर्म की तो संस्कार बनकर हमारे बच्चों के द्वार हमें सन्मुख आते हैं। समय रहते या छोटी सी बात इंसान की समझ में आ जाए जो उसका बुढ़ापा भी सवर जाए। मुझे ऐसा लगा कि मानो कि रमाकांत ने मेरे मुख पर तमाचा जड़ दिया हो। मैं निश्शब्द मौन सोने का उपक्रम करने लगा, किंतु नींद मेरी आंख से अब कोसों दूर की चुकी थी। रमाकांत की बात मेरे दिलो दिमाग में हथौड़े बरसता रही थी। इतने वर्षों में संचित किया हुआ अभिमान पल भर में चूर चूर हो गया। प्रशासनिक परीक्षा की परीक्षा के लिए इतनी मोटी मोटी किताबों पढ़ता रहा, किंतु पापा के मन की संवेदनाओं को उनके हृदय की पीड़ाओं की नहीं पढ़ सका। क्या इतना बड़ा जुलम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? नहीं, उसके पीछे पापा मम्मी की वर्षों की तपस्या निहित है। आखिर उन्होंने ही तो मेरी आंखों को सपने देखने सिखाए, जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। रात्रि में जब मैं देर तक पढ़ता था तो पापा भी मेरे साथ जागते थे कि कहीं मुझे नींद ना आ जाए। मेरे इस लक्ष्य को हासिल करने में पापा हर कदम पर मेरे साथ रहे। और आज जब पापा को मेरे साथ की जरूरत है तो मैं व्यवहारिकता का सहारा ले रहा हूँ। 2 वर्ष पूर्व की स्मृति मन पर दस्तक दे रही थी। सीवियर अटैक जाने के बाद मम्मी बीमार रहने लगी थी। एक शाम ऑफिस से लौटकर मैं पापा मम्मी के बेडरूम में जा रहा था, तभी अंदर से जाती आवाज से मेरे पांव ठिठ कर गए। मम्मी पापा से कह रही थी, इस दुनिया में जो आया है ये जाएगा भी, कोई पहले तो कोई बाद में। इसने इंटेलेक्चुअल होते हुए भी आप इस सच्चाई में मुंह मोड़ना चाह रहे हो। मैं क्या करूं पूजा, तुम्हारे बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी मेरे लिए कठिन है। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? पापा का कंठ अवरुद्ध हो गया था, किंतु मम्मी तनिक भी विचलित नहीं हुई और शांत स्वर में बोली थी, आपकी तरफ से तो मैं पूरी तरफ से निश्चित हूँ रजत, और रिंतु आपको बहुत ख्याल रखेंगे। यह एक माँ के अंतर्मन की आवाज है, उसका विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। इस घटना के 5 दिन बाद ही मम्मी चली गई थी। कितनी टूट गए थे पापा, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनके अकेलेपन की पीड़ा को मुझसे अधिक मेरी पत्नी रितु ने समझाया। यूं भी वह पापा के दोस्त ही बेटी थी और बचपन से पापा से दिल से जुड़ी हुई थी। उनके कभी नहीं चाहा पापा को अपने से दूर करना, किंतु मेरा मानना था कि कोड़ी भावुकता में लिए गए फैसल अक्सर गलत साबित होते हैं। इंसान को प्रैक्टिकल अप्रोच से काम लेना चाहिए। अकेले में ही क्यों पापा का दायित्व उठाऊं? दोनों बड़े भाइयों क्यों न उठाए? जबकि पापा ने तीनों को बराबर का स्नेह दिया, पढ़ाया लिखाया, तो दायित्व भी तीनों का बराबर है। 6 मास बाद
मम्मी की वर्षी पर यह जानते हुए भी कि दोनों बड़े भाई पापा को अपने साथ रखना नहीं चाहते, मैंने यह फैसला किया था कि हम तीनों बेटे चार चार मास का पापा को रखेंगे। पापा को जब इस बात का पता चला तो कितनी बेबसी उभर आई थी उन्हें चेहरे पर, चेहरे की सूजियां और गहराई गई, उम्र मानो 10 वर्ष आगे सरक गई थी। सारी उम्र पापा की दिल्ली में गुजरी थी, सभी दोस्त और रिश्तेदार यही पर थे जिनके सहारे उनका वक्त कुछ अच्छा बीत सकता था। किंतु सोचते सोचते मैंने एक गहरी सांस ली, आंखों से बह रहे पश्चाताप में आंसू पूरी रात में तकिया भींगोते रहे। उक्त यह का कर दिया मैंने, पापा को असह्य पीड़ा पहुंचाई दी, मम्मी के विश्वास को भी खंडित कर दिया। आज वह जहां कहीं भी हो गई, पापा की स्थिति पर उनकी आत्मा फलक कलप रही होगी, क्यों वह अभी मुझे क्षमा कर पाएगी? रात में कई बार अम्मा का रमाकांत को आवाज देना और हर बार उसका चेहरे पर बिना सिक्कन लाए उठना मुझे आत्मविश्लेषण के लिए बाध्य कर रहा था। उससे देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि इंसानियत और बचपन के हैसियत की मौत आज नहीं होती, वह तो दिल में होती है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे और रमाकांत के बीच में आज भी प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा जिससे आज भी वह मुझसे बाजी मार ले गया था। पद भले ही मेरा बड़ा था किंतु रमाकांत का कद मुझसे बहुत ऊंचा था। गाड़ी मुंबई सेंट्रल पर रुकी तो मैं रमाकांत के करीब पहुंचा, उसके दोनों हाथ थाम में भावुक स्वर में बोला, रमाकांत मेरे दोस्त, चलता हूँ, यह सफर सारी जिंदगी मुझे याद रहेगा। कहने का साथ ही मैंने उसे गले लगा दिया। आश्चर्य मिश्रित खुशी से वह मुझे देखा रहा था। मैं बोला, वादा करो अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर अवश्य आओगे? आऊँगा क्यों नहीं, आखिर इतना वर्षों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला। खुशी से उसकी आवाज़ कांप रही थी। एटेची उठाई, पापा के साथ मैं नीचे उतर गया। स्टेशन के बाहर मैंने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा। पापा हैरत से बोले, एयरपोर्ट क्यों? भावुक होकर मैं पापा के गले लग गया। मैं रूठ उठ कंठ से बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, इस वापसी दिल्ली जा रही है, अब आप हमेशा वही अपने घर में रहेगी। पापा की आंखों नमन हो उठी और चेहरा खुशी के खिल उठा। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। वह बुद्ध बधाई। कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी आंखों बंद कर ली, फिर चेहरा उठाकर आकाश की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा कि मानो वह मम्मी से कह रहे, देर से ही सही, तुम्हारा विश्वास सही निकला, सुमंगलम सुस्वागतम, आप किसी राह पर है रजत या रमाकांत विचारशरणिया।